चले हैं, ज्यादातर इंस्टाग्राम में दिक्कत चल रही है, वो चल रही है अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट को लेकर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है क्या, वो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, पर उसमें कहा था कि भाई आपने पूरी बात इसमें नहीं बताई कि आखिर इसका कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो वो चलिए हम जान लेते हैं। तो इससे यह है कि हमारे अकाउंट पर इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद में हम अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट है तो आपका यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखाई देगा, और आपका एक पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पर आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये आपको खुद से करना पड़ता है, बिजनेस या आप पर्सनल रखना चाहते हैं। पर्सनल आपका पहले ही मिलता है तो आप इससे बिजनेस में करते हैं तो आपका यहाँ पर जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में इन दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे कि अगर आप पर्सनल रखते हैं, ठीक है, तो जो आपकी रील्स हैं, जो भी आप यहाँ पर पोस्ट अपलोड करेंगे तो वो सीमित लोगों के ही पास पहुँचेंगे जिन्हें आपने फॉलो कर रखा होगा या फिर आपने उन्हें फॉलो कर रखा होगा। ठीक है, उन्हीं लोगों के पास पहुँचेगी। अगर आप इसे बिजनेस अकाउंट में बदल लेते हैं तो यह है कि जो आपकी वीडियो है वो इंस्टाग्राम है वो अन्य लोगों के पास भेजेगा। ठीक है, और इससे यह है कि आपकी वीडियो पर व्यूज ज़्यादा आएंगे। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी कि आपका जो प्रोफेशनल होता है तब उसमें कितना आपका रील भागता है, और आपका बिजनेस होता है तब आपका कितना रील भागता है। ठीक है, अगर बिजनेस अकाउंट है तो आपकी रील पर जो व्यूज हैं वो ज़्यादा ही आएंगे क्योंकि इंस्टाग्राम है वो ज़्यादा लोगों में भेजेगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा ऐड टूल्स। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। अब आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये समझ आना चाहिए कि ऐड टूल्स, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पर ही मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ, ऐड टूल्स। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट। ठीक है, अब ये अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट क्या है, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली में ये दिखा क्यों रहा है, ठीक है, इससे हमारे अकाउंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट पर यानी कि अपनी वीडियो लगाते हैं, ठीक है, यानी कि एड पर हम अपने जो भी हम वीडियो होती हैं उन्हें हम ऐड पर लगाते हैं, प्रमोट करते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए या अपनी रील्स के लिए, ठीक है, तो उसे के लिए हम कुछ पैसे देते हैं। ठीक है, और वो पैसे यहाँ पर दिखाता है, यानी कि अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट। ठीक है, यहाँ पर दिखाना चाहिए था ऐड टूल्स, जो कि ऐड टूल्स का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो आपने जितने भी एड्स चलाए होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो एड्स थे वो मैंने काफ़ी सारे चलाए हैं, ठीक है, पर वो यहाँ पर टोटल जो एड्स हैं वो वीडियो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, इसके नीचे आई नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि मैं यानी कि मंथली में 15 दिन में अपनी वीडियो यहाँ पर प्रमोट करवाता हूँ इंस्टाग्राम से। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, कई सारी ऐसी वेबसाइटें होती हैं गेमिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो उन्हें प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पर एक ऐड वीडियो लगाते हैं अपनी खुद से बनाकर, और उन वीडियोस को हम प्रमोट करवाते हैं, यानी हम इंस्टाग्राम से कहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दिखाए। ठीक है, और इसी के साथ में हमारी वो वेबसाइट का प्रचार करें, तो हम यहाँ पर वो पैसे देते हैं, और वो पैसे यहाँ पर जब नहीं दिखते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट। ठीक है, तो वो ये बताते हैं कि जो आपने यहाँ पर अकाउंट जो भी आपने बनाए थे जो कि ऐड को लेकर, ठीक है, जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट को लेकर जितनी पोस्टें या फिर आपने रील्स लगाई थी, तो वो जितने भी आपके अकाउंट हैं वो यहाँ पर सस्पेंड कर दिए गए हैं, यानी कि हटा दिए गए हैं। ठीक है, वो पैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 641.83 पैसे। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट की रील्स हैं वो यहाँ पर हटा दी गई हैं। अब यहाँ पर 641 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर और भी बढ़ जाएंगे मेरे कुछ दिनों बाद, जैसे कि ये है, तो ये सारे हट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर और जो पैसे हैं वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इस बात को यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है कि आपको यहाँ पर अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट आ रहा है, तो हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है, बस हमारे फ़ोन में ही है। काफ़ी लोगों के ये कमेंट आए थे कि भाई मेरा अकाउंट है वो सस्पेंडिंग लिमिट दिखा रहा है, पर मेरे फ़ोन में तो शो कर रहा है अकाउंट, पर मुझे लगता है कि अब इंस्टाग्राम वाले कि मेरे अकाउंट को कहीं पर रील्स को भेज ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी आपकी गलतफहमी है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से इसे हटा भी नहीं सकते हैं अभी। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, और इस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं, यहां पर इनकी मोर जो पॉलिसी प्राइवेसी है
तो आप इस पर सिंपली क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और इस तरीके की दिक्कत क्योंकि इस वजह से भी आ रही है फेसबुक पर, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तब ठीक है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी का है और इनकी जो रील्स है अगर आप इंस्टाग्राम पर डालते हैं तो वो ऑटोमेटो ही आपको फेसबुक पर देखने को मिल जाएंगी। बस आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, यानी कि अकाउंट इसमें ऐड करना होता है अपना फेसबुक वाला। तो इस तरीके से जो आपकी परेशानी है वो मैं बता सकता हूँ। इसमें काफ़ी लोगों को ये भी कहना हो कि आपने इसमें करा क्या, ठीक है, तो जो जानकारी थी मैंने वो आपको बता दी है और इसके अलावा अभी भी कोई भी इसके तरीका नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।